राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है, लेकिन उन्हें प्रारंभ में मोहन के नाम से भी जाना जाता था। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अहम योगदान और महान कर्मों से उन्हें राष्ट्र के पिता, महात्मा और बापू भी कहा जाता है। सत्य और अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी के जीवन से जुड़े किस्से और कहानियाँ काफ़ी रोचक होते हैं। गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने और सम्मान देने के लिए प्रतिवर्ष उनके जन्मदिन यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज हम आपको गांधी जी के जीवन से जुड़ी एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में राम नाम के प्रति श्रद्धा तो लाएगी ही, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रेरित भी करेगी। गांधी जी जब छोटे थे तो उन्हें अंधेरे से बहुत डर लगता था। वो जब भी अंधेरे को देखते थे तो घबराकर किसी चीज़ के पीछे छुप जाते थे, घबरा जाया करते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि रात में भूत घूमते हैं और उन्हें वो भूत एक दिन पकड़कर ले जाएंगे। इसी डर के कारण वो अंधेरे से घबराकर छुप जाया करते थे। एक रात की बात है, बहुत अंधेरा था और गांधी जी को यानी मोहन को एक घर से दूसरे घर में जाना था, लेकिन वे नहीं जा पाए। उन्होंने बहुत सोचा लेकिन उन्हें डर लग रहा था। अब वे एक जगह से दूसरी जगह हिल भी नहीं पाए क्योंकि भय उनके अंदर घर कर गया था। वो डर रहे थे कि कहीं कोई भूत ना आ जाए और उन्हें पकड़ ना ले। दूर खड़ी दाई माँ ने जब डरे और सहमे मोहन को देखा तो वे उसके पास गई और उन्होंने उनसे कहा कि मोहन बेटा, क्या हुआ, तुम किस चीज़ से डर रहे हो? तब मोहन ने कांपते हुए कहा कि मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। और फिर वे थोड़े चुप हो गए और बोले, दाई माँ, मुझे ऐसा लगता है कि अंधेरे में भूत आ जाएंगे और मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है। मोहन की बात सुनकर दाई माँ थोड़ी सी मुस्कुराई और प्यार से बोली, अरे अंधेरे से भी कोई डरता है क्या भला? मेरी बात सुन बेटा, राम जी को याद कर, फिर कोई भी भूत तुम्हारे पास नहीं आएगा। राम जी तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब मोहन खुश हो गया और बोला कि सच में क्या राम जी मेरी रक्षा करेंगे? अगर ऐसी बात है तो मैं रोज राम जी का जप करूँगा। अब दाई माँ की बातों से मोहन को हिम्मत मिल गई। दाई माँ की बातों ने मोहन के मन पर इतना प्रभाव डाला कि धीरे धीरे उनके मन का डर दूर होता चला गया। अब उन्हें जब भी डर लगता तो वो राम नाम का जप करते और आगे बढ़ते जाते। जब भी अंधेरे में उनका मन घबराता तो वो भगवान राम का चिंतन करते और राम 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 बोलते हुए आगे बढ़ते जाते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि भगवान श्री राम उनकी हमेशा रक्षा करेंगे। और देखो, ऐसा होता भी था। ऐसा लगता था कि कोई शक्ति उन्हें संभाले हुए है। परिस्थिति कैसी भी हो, गांधी जी के मुख से हमेशा राम का नाम निकलता ही रहता था। सहज ही वे हर समय राम 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 जपते रहते थे। इस छोटी सी घटना ने गांधी जी को यानी मोहन को बहुत प्रभावित किया और वह अंधेरे से कभी भी नहीं डरे। वे सोचते थे कि राम हमेशा उनके साथ हैं। इस राम नाम के विश्वास ने गांधी जी को जीवन में ताकत दी। और देखिए, अपनी मृत्यु के समय भी गांधी जी के मुख पर राम का नाम था। जब उनके प्राण निकले तो हे राम ये उनके आखिरी शब्द थे। आदर्श और अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले गांधी जी जैसी महान आत्मा को आज हम सभी श्रद्धा से सादर प्रणाम करते हैं।